नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक सुंदर से फूलों का पौधा, और जिसे आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर के फ्लावर्स, जिसे जो ब्लू सेज, गुलशाम, एरेंथनम, पुलचेलम और कई जो है इसके नामों से इसे पुकारा जाता है। ये फ्लावर बहुत ही सुंदर से प्यारा सा जो फ्लावरिंग प्लांट है, और इसकी जो हम आज केयर के बारे में बात करेंगे और कैसे इसको जो है ग्रो कर सकते हैं, कैसे इसको पोटेंट सॉइल जो मिक्स यहाँ पे इसको चाहिए, कितनी इसको सनलाइट रिक्वायरमेंट है, कितनी इसकी जो वाटर यहाँ पे करनी है, क्या क्या जो फर्टिलाइजर है आप इसको दे सकते हैं, जो पूरी केयर है आज की वीडियो में आपको रहने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है तो मैं इसे कहूँ ये जो इसमें जो फ्लावरिंग के समय जो इसमें रहता है तो वो जो है फरवरी में जो इसमें फ्लावरिंग के समय रहता है, यानी इसमें जो है जनवरी के महीने में जो इसमें से इस तरह से जो काफ़ी सारी जो बड्स है वो इसमें बनती हैं, और इस तरह से आप देख सकते हैं। और जैसे ये प्लांट है ये एक शब प्लांट है, तो ये झाड़ीनुमा प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग के समय है। देखिए इसमें जो है फरवरी से लेकर जो है अप्रैल तक इसी तरह से जो प्लांट है बहुत सुंदर से जो प्यारे से फ्लावरिंग करते हैं, और इसमें जो फ्लावर है आपको ब्लू कलर से देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जो लगाने के लिए आपको जो सबसे पहले यहाँ पे जो कहूँगा जो पॉटिंग सॉइल मिक्स है वो कैसे यहाँ पे रेडी करनी है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे 50% जो आपको गार्डन सॉइल लेना है, 20% जो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सैंड लेना है, या फिर जो आप कोकोपीट भी उसमें मिक्स कर सकते हैं, और 20% में जो है आप इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, और या फिर आप उसमें देखिए 10% नीम की खली मिलाकर इन सब का जो मिक्सचर आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। बाकी बात की जाए इसको जो है सनलाइट रिक्वायरमेंट की, तो देखिए यहाँ पे जो है सनलाइट रिक्वायरमेंट इस प्लांट की मैं आपको बताऊं, तो इस प्लांट को देखिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी से आपको इस प्लांट को बचाना है। जैसे कि आप फरवरी जो है आप इसको फुल धूप दिखा सकते हैं, मार्च में भी आप जब तक देखिए धूप टेम्परेचर जैसे तेज़ यहाँ पे हाई होने लगता है तो आप इस प्लांट को जो है मैं कहूँगा किसी फिल्टर धूप में रख सकते हैं, यानी ग्रीन शेड एरिया के नीचे आप इसको रख सकते हैं, या फिर ऐसे जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ मॉर्निंग में जो इसको 2 घंटे की सनलाइट मिले और बाद में जो प्लांट है पूरे दिन इस पर जो है छाया बनी रहे, तो इस प्लांट को जो है बहुत अधिक गर्मी पसंद नहीं रहती है। अगर आप वैसे तो प्लांट बहुत हार्डी रहता है और इसके जो पत्तियों का साइज़ आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की इसी तरह से रहती है, और जैसे इसमें पानी की आपको जो है कमी दिखाई देती है तो इसकी जो पत्तियाँ देखिए प्लांट इस तरह से ये मुरझा जाता है, लटक जाता है, यानी जो आप इसमें वाटरिंग कैसे करनी है, तो वाटरिंग इसमें आपको मॉइस्चर लेवल इसको पसंद है तो आप इसमें मॉइस्चर लेवल बना के रख सकते हैं, इसलिए इसमें जो है मैंने कोकोपीट मिक्स करने का आपको बताया है। बाकी इस प्लांट को देखिए जैसे मिट्टी आप इसको ड्राई दिखाई दे तो इसमें जो आप वाटर ऐड कर दीजिए, बहुत ओवर वाटरिंग इसको पसंद नहीं है तो इसमें जो है आप मॉइस्चर लेवल सिर्फ इसमें बना के रखना है, और इसकी जो बड्स है इस तरह से देखिए ऊपर से ही ऊपर जो कहूँ कि खिलती रहती है, और इसके जो फ्लावर है इस तरह से बंचेस में यानी गुच्छों में आपको इस तरह से दिखाई देंगे और काफ़ी सुंदर इस पर फ्लावर रहते हैं। अगर इसके फ्लावर की मैं बात करूँ तो देखिए इसमें जो ऊपर से तरफ थोड़ी ये मिठास इसमें रहती है तो इसमें हम जो चींटियों को अटैक इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि मेरे प्लांट में अभी फ्लावरों पर आप देख रहे हैं। तो इससे बचाने के लिए देखिए आप इस पर जो है हल्दी वगैरह का जो स्प्रे है पानी में लिक्विड बना के वो आप इस पर कर सकते हैं, ताकि आपके प्लांट पर जो चींटी वगैरह का ज़्यादा अटैक ना रहे। और देखिए अगर बात की जाए इसमें जो है पेस्ट होने वाले अटैक की, तो इस प्लांट पर ज़्यादातर पेस्ट अटैक आपको देखने को नहीं मिलता है, वैसे वो हार्डी प्लांट है, अगर पेस्ट अटैक आपको थोड़ा बहुत हल्का दिखाई दे तो आप जो है इस पर नीम वगैरह का स्प्रे ले सकते हैं, या फिर अपने तरह घर पर बनाया हुआ होममेड जैसे कि आप देख सकते हैं जो पेस्टिसाइड आप बनाते हैं तो वो उसका आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। बाकी इस प्लांट पे जो है बहुत अधिक जो है पेस्ट अटैक आपको देखने को नहीं मिलता है, ना ही इस पर आप केमिकल वगैरह स्प्रे कीजिए। आप अगर इस प्लांट पे अगर देखते हैं कि पेस्ट वगैरह अटैक होता है तो आपने प्लांट को जो है आप पानी के शॉवर से इसको धो डालिए प्लांट को, तो आपका प्लांट यहाँ पे साफ़ सुथरा हो जाएगा, यानी पेस्ट मुक्त हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके लिए पॉट रिक्वायरमेंट है तो कैसे यहाँ पे आपको लगाना है, तो पॉट के लिए देखिए क्या होगा कि आप कम से कम इसको 10 से 12 इंच के पॉट में लगाइए, ये बहुत अच्छी चीज़ जो फ्लावरिंग करता है। और बात की जाए इसके प्रोपोगेशन की, तो देखिए इसको जो है दोनों ही आप में क्या होगा सीड्स और कटिंग से दोनों ही इसको लगाया जा सकता है, तो उसकी जो कटिंग है बड़ी इजीली से यहाँ पे लग जाती है। कटिंग लगाने के लिए फ्रेंड्स आप इसकी देख सकते हैं इस तरह जो स्टेम है, तो किसी तरह से आप जो है आप कट कर लीजिए, कम से कम इसके 2.5 से 3 इंच की जो कटिंग ले लीजिए, और 2 इंच नोड एरिया जो इसका आप कम से कम मिट्टी में दबाइए, बाकी नोड एरिया आप छोड़ दीजिए, इसकी कटिंग बड़ी इजीली से लग जाएगी। इसकी कटिंग जो आप वाटर में पानी में भी जो है ग्रो कर सकते हैं, और कटिंग लगाने जो समय है देखिए मैं कहूँगा वही है इसका, कहूँगा कि आप फेब में इसकी कटिंग लगा सकते हैं, या फिर जो आप इसका रेनिंग सीजन में कटिंग लगाइए। वैसे इसकी जो कटिंग सक्सेस रेट है काफ़ी अच्छा है, अगर आप वही बीच में भी ट्राई करेंगे तो उसकी कटिंग इजीली से यहाँ पर लग जाती है। अब बात की जाए देखिए इसमें जो है फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की, तो फ्रेंड्स इस प्लांट को वैसे तो अधिक फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, वैसे साल में उसको आप 2 बार जो है फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र में आप क्या है इसमें देखिए वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी नीम की खली
और सरसों खली की जो फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और गर्मी में थोड़ा अवॉइड ही कीजिए क्योंकि सरसों खली की जो फर्टिलाइज़र थोड़ा गर्म यहाँ पे रहता है। और जो यहाँ पे आप किसी प्लांट में जब कोई खाद डालते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जो है शाम के समय अपने प्लांट में इसको खाद डालिए। और बाकी इसमें जो आप देखिए कंडों की खाद भी इसमें जो डाल सकते हैं गर्मियों में, जो कि ठंडी रहती है। बाकी इसके अलावा यहाँ अगर आप केमिकल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस पे देखिए एनपीके का स्प्रे ले सकते हैं, डीएपी का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी इसमें जो आप सरसों के खली फर्टिलाइजर तो आप डाल ही सकते हैं। बाकी इसमें अगर आप चाहे तो बोन मील वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये जो सारे फर्टिलाइजर आप इस प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो ये जो आपको फ्लावरिंग जरूर से देगा, लेकिन कम फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। इस प्लांट को मैंने नर्सरी से जो है बाय किया था 35 रुपीज़ से 40 रुपीज़ में। ये भी आपको जो है इजली से मिल जाएगा, नहीं तो आपके आसपास इसको कहीं है तो आप इसको कटिंग से इजली से लगा सकते हैं। ये प्लांट जो है एक परमानेंट प्लांट है, अगर इसे अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये जो आपके पास हमेशा बने रहने वाला है। इसमें आपको जो है एक कलर और देखने को मिलता है, इसमें जो वाइट कलर भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो आपको प्लांट है इस तरह से ब्लू कलर वाला ही देखने को मिलेगा। ये थी इसकी छोटी सी सिंपल सी केयर, सिर्फ आपको छोटे से ध्यान आपको रखना है। अगर नहीं भी रखेंगे तो ये भी जो आपका बड़ी हरी प्लांट है आपके पास ये बना रहेगा, और फ्लावरिंग आपको जो है थोड़ी बहुत देता रहेगा। अगर आप इसकी थोड़ी बहुत केयर करते हैं तो ये आपको अच्छी से फ्लावरिंग देगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।